दुर्गा से पहले भी मुझे प्यार हुआ था। प्रीति नाम था उसका, लेकिन क्या करें, उसने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया, धोखा दे दिया मुझे। तुमने जिसे देखा वो रणबीर है, चीख कर कह रहे हो तुमसे, पर असाइलम के साउंड प्रूफ दरवाजे तुम तक उसकी आवाज पहुंचने ही नहीं देंगे। जी, मैं दुर्गा को लेने आया हूं। नहीं बेटा, वो यहां तो नहीं आई है, और तुम कह रहे हो कि वहां भी नहीं है, तो ये कहां चली गई होगी सावित्री? दुर्गा, दरवाजा खोलो बेटी। दुर्गा दरवाजा खोलो। दुर्गा, बेटा दरवाजा तोड़ दो, तोड़ दो। अभी तक तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मेरा प्लान। रणवीर बेटा, डॉक्टर को फोन करो, जल्दी जल्दी। सरस्वती जाओ पानी लो, जल्दी। हेलो, डॉक्टर साहब, इनका ब्लड प्रेशर काफी लो है, जिसकी वजह से इनकी हालत हुई है। ऐसी हालत में इनको अकेला नहीं रहना चाहिए, कोशिश कीजिए इनके साथ कोई ना कोई रहे, क्योंकि ऐसा दोबारा भी हो सकता है जो इनकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब मुझे इनके साथ 24 घंटे रहना होगा, एक सेकंड भी उनको अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। नहीं बेटे, तुम कब तक छुट्टी लोगे और कब तक इसकी अकेले देखभाल करोगे? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक दुर्गा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तुम दोनों हमारे घर आकर रहो। दुर्गा की देखभाल भी अच्छी तरह से हो जाएगी और तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। हाँ सावित्री, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, यही सही है। अब सोच क्या रहे हो? जैसा आप ठीक समझे बाबू जी। लो देखो। अरे दुर्गा आ गई, तुम कैसी है तबीयत? ये देखो। ये तुम्हारी बेटी ना बिल्कुल हाय लॉर्ड, रणबीर जी के पास जाकर ये एकदम चुप हो गई। बहुत प्यारा बच्चा है, वैसे मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, और अगर बच्चे रोते तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
बस उनकी तरफ खींचा चला जाता। दुर्गा को अपने कमरे में ले जाओ। ख्याल रहे, इसके साथ कोई ना कोई हर वक्त होना चाहिए। सुनिए, मैं भी दुर्गा के लिए कुछ करना चाहती हूँ। नहीं मेनका, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम करो, सावित्री सब संभाल ले। आओ सावित्री, आओ। सावित्री, 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 जब देखो तब सावित्री के नाम की माला जपते रहते हैं। सही कहती थी कजरी, जब तक ये सावित्री बीच में रहेगी ना तो घर में और ना ही मैं अपने पति की जिंदगी में वापस अपनी खोई हुई जगह पा सकूंगी। मुझे जल्दी ही कुछ ऐसा करना होगा कि सावित्री घर से बाहर निकल जाए। लेकिन क्या? सॉरी, मुझे बहुत दुख है कि मेरी वजह से आपको यहाँ रहना पड़ रहा है। मैंने आपको बहुत निराश किया है ना? नहीं, देखो शादी सिर्फ सपनों का और उम्मीदों का खुश होने का नाम नहीं है, बल्कि सुख दुख में दूसरे का साथ देना, बराबर की हिस्सेदारी करना, एक दूसरे के साथ खड़े होने का। पर अगर मैं बीमार होता तो क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करती? थैंक यू रणबीर, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपके जैसा प्यार करने वाला जीवन साथी मिला। थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए दुर्गा, तुम्हारी वजह से मैं आज इस घर में वापस आ सका हूँ। थैंक्स तो तुम्हारी बीमारी को कहना चाहिए जिसने मुझे इस पूरे गरुड़िया खानदान को तबाह करने का मौका दिया, जो अब मैं बहुत जल्दी करके रहूंगा। कैसे इस घर से सावित्री मैं इनको बाहर निकालू? अपनी खोई हुई खुशियां, खोई हुई इज्जत पाने के लिए मुझे उन्हें घर से बाहर निकालना ही होगा। भगवान, पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हुआ, उसे ठीक कर दो भगवान। दुर्गा की रक्षा करना। तो ये रास्ता हो सकता है सावित्री बहन को दूर करने का, और जब तक वो वापस आएंगी मैं अपना वो सब कुछ वापस पा लूंगी जो सावित्री बहन ने मुझसे छीना है। युवराज, लक्ष्मी तुम यहाँ? हाँ, वो दुर्गा दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उन्हें ही देखने आई हूँ। लेकिन तुम सब ऐसे कहाँ हो? इनॉग्रेशन के बाद तो हमसे भी पहले निकल गए थे, फिर अब तक कहाँ थे तुम? वो लक्ष्मी, एक्चुअली मेरी एक जरूरी मीटिंग थी इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ा। तुम अपना ध्यान रखो। ये आजकल युवराज को हो क्या गया है? मुझे यकीन है कि जिस तरह कह रहा था वो ऑफिस में तो था नहीं। मैंने ऑफिस में फोन करके भी तो देखा था, कुछ तो है जो वो हम सबसे छिपा रहा है। ईश्वर, वो फिर किसी गलत रास्ते पर न जा रहा हो। Thank you.
दुर्गा की कुंडली में एक ग्रह अनिष्टकारक है। शनि की दृष्टि एक ऐसे स्थान पर है जहां से ये बीमारी का योग पैदा हो। लेकिन ये योग कब तक रहेगा पंडित जी? अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। ये योग इसी तरह कन्या को कष्ट देता रहेगा। हो सकता है आगे चल के बात और बिगड़ जाए। तो इसका कोई उपाय हो तो बताइए। उपाय तो है। अगर कन्या की मां बद्रीनाथ जाकर वहां के पवित्र जल से भोले शंकर का अभिषेक करें तो कन्या का कष्ट जरूर दूर हो जाएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आइए पंडित जी, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूं। ये लीजिए, जाइए, आपका काम हो चुका। शुक्रिया मेनका बेन, शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वाह मेनका, एक तीर से दो निशाने। अब सावित्री बहन को यात्रा पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। आखिर इतना प्यार जो करती हैं अपनी लाडली बेटी से, और जब तक सावित्री बहन लौट कर आएंगी ना, तब तक ये सारा घर मेनका का हो चुका होगा। कजरी की चाल से कोई बच पाया है? जो आप बच जाएंगे मम्मी जी। अब आप सावित्री माँ को फंसाइए और मैं आपको। अगर पंडित जी ने कहा है कि सावित्री के यात्रा पर जाने से दुर्गा की तबीयत ठीक हो सकती है तो सावित्री यात्रा पर जरूर जाएगी, पर वो अकेली नहीं जाएगी, मैं उसके साथ जाऊंगा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ये सावित्री बहन के साथ चले गए तो मेरा सारा प्लान बिखर जाएगा। नहीं, कैसे भी करके मुझे इनको रोकना ही होगा। जी, आपका यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए मेरे बच्चों से जरूरी कुछ नहीं है। हाँ सावित्री, तुम्हारे वहां अकेले जाने से अच्छा है सूर्यकांत भी तुम्हारे साथ चला जाए। इसका मतलब ये चले जाएंगे? पापू जी, वो एक्चुअली गौरी भी बहुत दिनों से कहीं बाहर जाना चाहती थी। तो उससे कहो कि वो भी जल्दी तैयार हो जाए। जी माँ, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। मैं नहीं जानता था कि आजकल अलग अलग सॉक्स पहनने का फैशन है, और तो और जेंट्स लोग लेडीज हैंकी रखने लगे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, सूट अलग, पैंट अलग। बट तुम चिंता मत करो, अगर मेरी प्यारी बीवी चाहती है ना कि मैं ऐसे ही ऑफिस जाऊं तो मैं चला जाऊंगा। I'm very sorry. नाम मैं बदल देती हूँ। लक्ष्मी, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं करण, बस युवराज को लेकर ही परेशान हूँ मैं। युवराज आजकल ऑफिस भी नहीं जा रहा है। मुझे ये चिंता खाई जा रही है कि कहीं वो किसी गलत रास्ते पे तो नहीं चल पड़ा। लक्ष्मी, मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बताई थी, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कोई भी शख्स, कोई भी इंसान गरुड़िया परिवार पर उंगली उठाए। तो तुम उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें अपने भाई पे थोड़ा सा तो विश्वास होना चाहिए। चलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हुई, जल्दी से कपड़े निकालो अच्छे वाले, हाँ, ताकि सब लोग कहें कि तुम्हारा करण बहुत स्मार्ट है, राइट? ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सावित्री बहन के साथ
यात्रा पे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और इस तरह सावित्री बहन उनके और करीब आ जाएगी और मेरे पति को पाना और मुश्किल हो जाएगा। हार गई हो तुम मेनका, हार गई हो। मम्मी जी, ऐसा क्यों लग रहा है मम्मी जी कि फिर से आपको अपनी बहू की मदद की जरूरत पड़ गई? तो फिर चली आई, तुम्हारी सलाह मानकर मैंने अपनी और मुश्किलें बढ़ा दी। नहीं मम्मी जी, अब मुश्किलें बढ़ाने का नहीं बल्कि खत्म करने का समय आ गया है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। आप बस वैसे ही करते जाइए जैसा मैं कहती हूँ। तुमने कितने प्यार से उसे खिला दिया। युवराज, मैं इन बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और पता है प्यार ही सब कुछ सिखा देता है। दीदी, आप बोल तो नहीं रही कि आज ट्यूसडे है और आपको मंदिर जाना है। हाँ बेटे, मुझे याद है, बस अभी निकल रही हूँ। ठीक है दीदी। नियति, मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर चलूंगा। And I promise, मैं तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन युवराज। अच्छा ठीक है नियति, मैं तुम्हें दरवाजे तक तो आकर छोड़ सकता हूँ, फिर वहां से तुम अकेली चले जाओ, ठीक है? तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। काम होशियारी के साथ हो जाना चाहिए। सूर्यकांत सावित्री के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसा कि मैंने समझाया है उसी वक्त करना। ये लो तुम्हारा एडवांस। संभल के नहीं थी, आ जाओ। कोई बात नहीं।